हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद शर्मा फ्रॉम ब्यावर। आज हम साझेदारी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर एक टॉपिक आता है मेथड्स फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स इन द पार्टनरशिप फर्म, मतलब साझेदारी में खाते रखने की विधियां। साझेदारी में खाते मुख्य रूप से दो विधियों से रखे जाते हैं, जिसमें से पहला आता है स्थिर पूंजी विधि, फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा आता है परिवर्तनशील पूंजी विधि, फ्लैक्चुएटिंग या वेरिएबल कैपिटल मेथड। दो विधियों से साझेदारी में खाते रखे जाते हैं। दोनों विधियों के नाम मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। अब यहां पर आता है कि साझेदारी फर्म चल रही है जिसमें दो में से किसी भी एक विधि से साझेदारी के अंदर खाते रखे जा सकते हैं। अब यहां पर अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें, स्थिर पूंजी विधि, इस विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी स्थिर होती है और इस विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से दो खाते बनाए जाते हैं, जिसमें से पहला आता है पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा आता है पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है, इसमें ना तो कैपिटल कम होती है और ना ही कैपिटल बढ़ती है। एक परिस्थिति में कैपिटल कम या ज्यादा हो सकती है जब या तो साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है पार्टनरशिप फर्म में, या फिर पार्टनर कैपिटल विड्रॉल करता है, ड्रॉइंग्स करता है, तो ही इसके अंदर कैपिटल कम या ज्यादा हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। दूसरा, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स वो पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखे जाते हैं। फिर दूसरा हमारा सेकंड मेथड आता है, दूसरी विधि आती है परिवर्तनशील पूंजी विधि, फ्लैक्चुएटिंग या वेरिएबल कैपिटल मेथड। इस विधि के अंदर एक ही अकाउंट, एक ही खाता बनाया जाता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना तो फिक्स होता है ना वेरिएबल होता है, एक ही नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और साझेदारों से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं वो सारे के सारे लेन देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखे जाते हैं। बाकी इनकी जो डिटेल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।